students a very warm welcome to all of you and a happy to all of you today in worksheet number 56 we'll study surface area and volume here two students are talking to each other i need to wrap the gift for sumida's birthday how do i know how much paper i need to wrap the gift now the boy is saying it is so easy paper required is the same as the surface area of the gift box so you need to find the surface area in this case okay yugm i tell you there are books in the gift box can you tell how many books can be kept in the gift box yes akriti i will calculate the volume of the gift box and the volume of the book and find out the number of books so the girl is facing problem for the gift paper रैप गिफ़्ट पेपर के रैप के लिए युगम ने उसको बताया कि पेपर उतना ही चाहिए जितना गिफ्ट बॉक्स का सरफेस एरिया है वहाँ पर आपको सरफेस एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा नाउ शी हैज़ वन मोर प्रॉब्लम कि मैं उसमें कितनी बुक्स डाल सकती हूँ गिफ्ट बॉक्स के अंदर तो युगम ने उसको बताया कि आप गिफ्ट बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लें और एक बुक का वॉल्यूम निकाल लें तो आप कैलकुलेट कर सकते हो दोनों को डिवाइड करके कि, कि उसमें कितना बुक्स रखी जा सकती हैं Now, what is the difference between surface area and volume? Surface area is defined as the area of the surface of an object or shape. It can be found out in two ways. First, total surface area is the area of all the surfaces, and second, the lateral or curved surface area, area of some of the surface of an object or shape. It is a two dimensional measurement and measured in square units. मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर एग्जाम्पल्स ऑफ सरफेस एरिया आ रेपिंग अफ्ट पेपर विच आकृति वॉज फाइंडिंग आउट पेंटिंग अ वॉल कवरिंग अ बाउल विथ अ लेट सर्फेस एरिया यानी एरिया ऑफ द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है उसकी शेप के अकॉर्डिंगली हर एक का एरिया अलग अलग हो जाता है और इसको आप दो तरीके से निकालते हो कई बार आप टोटल सरफेस एरिया निकालते हो उसमें आप फिगर को पूरा टोटल में लेते हो लेटरल होता है जब आप थोड़े से ही पोर्शन को लेते हो उस मोस्टली उसका अपर और लोअर पोर्शन छोड़ देते हो खाली इतना कैलकुलेट कर रहे हो तो लेटरल सरफेस एरिया होगा आप दोनों सर्कुलर एंड्स को भी ले लोगे तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा ये हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है और किसी गिफ्ट पेपर को रैप करना है कहीं पेंटिंग करनी है किसी चीज़ को कवर करना है तो उसके लिए आप सर्फेस एरिया को देखते हो अब देखते हैं वॉल्यूम क्या चीज़ होती है वॉल्यूम वो चीज़ है जिसके अंदर हम ये देखते हैं हाउ मच इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रही है इफ़ द ऑब्जेक्ट इज होलो देन द वॉल्यूम इज डिफाइंड एज हाउ मच क्वांटिटी एन ऑब्जेक्ट कैन होल्ड अगर वो खाली जगह है ऑब्जेक्ट में कुछ तो उसमें कितनी क्वांटिटी आ सकती है होलो ऑब्जेक्ट्स के अंदर वॉल्यूम इज आल्सो कॉल्ड द कैपेसिटी यानी उसमें कितना सामान आ सकता है ये एक थ्री डायमेंशनल मेजरमेंट है एंड इट इज मेजर्ड एज क्यूबिक यूनिट्स मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब सफेस एरिया आपका स्क्वायर यूनिट्स में था टू डायमेंशनल था एग्जाम्पल से वॉल्यूम का वाटर इन अ टैंक एक टैंक में कितना पानी आ रहा है तो ये उसकी कैपेसिटी हो गई बच्चों टैंक आपका अंदर से हॉलो है मैच बॉक्स इन अ पैकेट पैकेट अंदर से खाली है उसमें कितनी मैच बॉक्स आ सकती हैं तो कितनी क्वांटिटी उसके अंदर आ सकती है सूप इन अ बाउल बाउल में कितना सूप आ सकता है तो ये वॉल्यूम हमारा सारा अंदर के कॉन्टेंट के लिए होता है मोस्टली हॉल ऑब्जेक्ट्स के अंदर कितनी चीज़ आ सकती है हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं एंड सर्फेस एरिया में हम देखते हैं कि किसी चीज़ को कितना कवर किया जा सकता है उसका आउटर ऑब्जेक्ट को दो तरीके से कवरिंग हो सकती है आपकी टोटल सर्फेस एरिया की या लेटरल सर्फेस एरिया की सो दिस इज ऑल अबाउट सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम अब ये सारे फॉर्मुलेज आप प्लास नाइन्थ में सीख चुके हो ये क्यूबॉइड का शेप है इसका वॉल्यूम एल बी एच होता है डेटर सरफेस एरिया आप करते हो तो आप अपर पोर्शन और डाउनवर्ड पोर्शन को छोड़ दोगे सिर्फ इसकी फोर वॉल्स लोगे तो टू एच एल प्लस बी होगा और टोटल सरफेस एरिया लोगे तो सब आ जाएगा टू एल पी प्लस बी एच प्लस एच एल ऑल दीज थिंग्स यू हैव लर्न इन योर क्लास नाइन्थ इसी तरह आपने क्यूब को भी लर्न किया है ये क्यूब का वॉल्यूम है ए क्यूब अब आप इसका कर्व सरफेस एरिया लेते हो इलेट्रल तो टॉप पोर्शन और इस पोर्शन को छोड़ देंगे हर फेस का एरिया है ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर तो चार फेसेस का फोर ए स्क्वायर हो जाएगा और जब आप अपर और लोअर को भी मिला लोगे तो टोटल सर्फेस एरिया सिक्स ए स्क्वायर आ जाएगा इसी तरह आपने राइट सर्कुलर सिलेंडर भी पड़ा है इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसका लेटरल सरफेस एरिया है टू पाई आर एच और जब ऊपर वाले सर्कल और नीचे वाले सर्कल का एरिया जो कि पाईआर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर है उन दोनों को भी मिला देते हो तो टू पाई आर एच प्लस टू पाई आर स्क्वायर और इसमें से कॉमन निकालेंगे टू पाई आर सब जगह दोनों क्वांटिटीज़ में है अंतर आ जाएगा यहाँ से एच रह जाएगा यहाँ से आर रह जाएगा टू पाई आर एच प्लस आर इसी तरह आपने कोन को और स्फीयर को भी स्टडी किया है कोन के बारे में आपने क्वेश्चन करे हैं कि कोन में आपका ऐसी शेप होती है ठीक है टेंट टाइप जो शेप होती है कोनिकल शेप है ये वन बाई थ्री पाईआर स्क्वायर इच इसका वॉल्यूम है लेटरल सर्फेस एरिया पाई आर ले जब इसका टोटल सर्फेस एरिया लेते हो तो नीचे वाला सर्कल पाईआर स्क्वायर भी उसमें मिला देते हो लेटरल में तो आप यहाँ पे पाई पाईआर को कॉमन निकालते हो एल प्लस आ रह जाता है इसी तरह स्फीयर की हम दो कैटेगरीज लेते हैं फुल स्फीयर और हाफ स्फीयर फुल स्फीयर लेते हो उसका वॉल्यूम रहेगा फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब उसको आधा कर दोगे बीच में से कट करके तो टू बाई थ्री पाईआर क्यूब जब इसका लेटरल सरफेस एरिया लेते हो फोर पाई आर स्क्वायर और टोटल भी फोर पाई आर स्क्वायर हुआ लेकिन हैमी में लेटरल सरफेस एरिया टू पाई आर स्क्वायर है एंड टोटल सरफेस एरिया में आप इस सर्कल को भी ले लेते हो जो ये ओपन होके आ गया है तो ये थ्री पाई आर स्क्वायर है फुल स्पेयर के अंदर लेटरल और टोटल दोनों सेम है ठीक है आप ये देख रहे हो दोनों क्वान्टिटीज सेम है लेकिन जब आप इसकी बात करते हो यहाँ पे टू पाई आर स्क्वायर और ये थ्री पाई आर स्क्वायर इसका डिफरेंस है ये सब आपने क्लास नाइन्थ में किया हुआ है वी आर रिवाइजिंग दिस थिंग अब आपके पास क्वेश्चन है ये आपके पास कुछ सिचुएशन है आपको आइडेंटिफाई करना है विच इज अ सर्फिस एरिया सिचुएशन एंड विच इज अ वॉल्यूम सिचुएशन आप देख रहे हो ये कैपेसिटी की बात हो रही है कि इस फ्लास्क के अंदर कितना कंटेंट है वाटर का तो ये वॉल्यूम सिचुएशन है जहाँ पर ये गिफ्ट पेपर रैप हो रहा है ये सरफेस एरिया सिचुएशन है पेंटिंग ऑफ वॉल है दिस इज़ सरफेस एरिया सिचुएशन कितनी एरिया को आप पेंट कर रहे हो कितना एरिया है इसका गिफ्ट पैग का जिसको आपको कवर करना है तो कितना पेपर रिक्वायर्ड होगा सरफेस एरिया यहाँ पर टेबल क्लोथ है ये भी कवरिंग की चीज़ हो रही है सो तो ये भी सरफेस एरिया होगा कि टेबल का टॉप कवर कितना है कितना उतना एरिया है उतना ही आप टेबल कवर लोगे उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख रहे हो उसमें कितने अंदर लोडिंग की जा सकती है तो ये कैपेसिटी होगी अंदर आप ये देखिए रहे शेप है इसका ट्रक के ऊपर ये जो कैरियर है इसमें कितने ऐसे बॉक्सेज आ सकते हैं तो एक वॉल्यूम बॉक्स का निकालोगे टोटल इस टैंकर का निकालोगे इसमें कितने फिल किए जा सकते हैं इट्स अ वॉल्यूम सिचुएशन इसी तरह आप देख रहे हो यहाँ पे अर्थ डिग आउट करिए वेल के लिए एक कुआ बन रहा है इसमें से मिट्टी बाहर निकली है तो ये वॉल्यूम सिचुएशन है कितना वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज़ डग आउट ओके नेक्स्ट है यू आर गिवन सम शेप्स आपको बताने ये शेप कौन सी हैं ओपन राउंड बाउल यानी हेमिसफेरिकल शेप हो गई आपकी ओपन राउंड बाउल जो इस तरह का है ये हेमिसफेयर शेप है उस तरह से राउंड वेल well, जैसे अभी हमने कुएं का सिचुएशन लिया राउंड वेल दैट इज़ अ सिलेंडर सिचुएशन अभी आपने देखा है सिलेंडर जैसा शेप आता है यहाँ पे देखिए ये जो शेप हो रही है सिलेंडर की जैसी हो रही है विजुअलाइज करो इसको दिस इज अ सिलेंडर शेप ओ राउंड वेल का कॉन कॉप जो होता है वो आपको लगेगा सिलेंडर जैसे है लेकिन जो भुट्टा है वो आपका इस तरीके से होता है तो ये ऊपर क्योंकि टेपर है तो आप इसको सिलेंडर की तरह नहीं मान सकते सिलेंडर की शेप को हम ऐसे लेते हैं ठीक है ये हम हमारे सिलेबस में राइट सकोला सिलेंडर है सो हम इसको कोन के शेप की तरह लेंगे फिर है रूम इन द हाउस इसमें किसी को कोई डाउट नहीं क्यूबॉयडल शेप होते हैं क्यूबॉयडल होते हैं या क्यूब भी हो सकते हैं मोस्टली हाउसेज आर क्यूबॉइड मून का शेप शेप ऑल द प्लानिट्स आर स्फेरिकल इन शेप सो मून इज अ अटेलाइट ऑफ द अर्थ इट इज ऑल्सो स्फेरिकल नाउ फिल इन द ब्लैंक्स द शेप ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब इज स्क् क्यूब का जो शेप है वो आपका स्क्वा शेप है आप ये देखेंगे कि इस तरह से होता है ये ये आप देख रहे हो कि इसका जो फेस है कैसा नजर आ रहा है क्यूब में नजर आ रहा है है ना ये क्यूब है ना ये आगे का फेस इसका कैसा हुआ स्क्वायर शेप हुआ रेक्टेंगल वेन फोल्डेड बिकम्स अ सिलेंडर एक रेक्टेंगल को आप फोल्ड करते हो तब वो सिलेंडर बनता है ठीक है एक रेक्टेंगल इस तरह का होता है आप इसको फोल्ड करते हो तो ये सिलेंडर शेप में आ जाता है ऐसा फोल्ड करने से आता है क्लास नाइन्थ में करा है ये भी हमने द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन राइट सर्कुलर कौन का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है जैसे ये कौन है आपका तो ये शेप आपका सर्कुलर है ठीक है ऑल दीज थिंग्स आर डन ओके डू सेंड पिक्चर्स टू योर टीचर्स राइट इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो विल मीट इन द डिस्कशन ऑफ नेक्स्ट वर्कशीप टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाय बाय